और ये आप किसकी हेल्प से फिल करेंगे बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं उनकी हेल्प से ये एक्सरसाइज आप करेंगे वेदर अब मैं आपको बताऊंगी वेदर क्या होता है वेन यू गो आउट यू फाइंड सम डेज आर सनी एंड हॉट जब आप बाहर जाते हैं आप महसूस करते हैं कि कुछ दिन क्या है बहुत ज्यादा सनी है और गर्म है सम अदर डेज आर कोल्ड और कुछ दिन कैसे होते हैं ठंडे होते हैं एट टाइम द स्काई इज क्लाउडी कभी-कभी आसमान बादलों से घिरा होता है इट रेन ऑन सम डेज कभी-कभी बारिश होती है ऑन अदर्स डेज द विंड ब्लो वेरी फास्ट और कभी-कभी तेज हवा चलती है आंधी तूफान होता है दिस इज कॉल्ड वेदर ये क्या कहलाता है वेदर कभी ठंडा कभी गर्म कभी बारिश का तो कभी आंधी तूफान का वेदर इज द कंडीशन आउटडोर लाइक हाउ विंडी हॉट और कोल्ड इट इज आउटसाइड वेदर हमें बाहर की कंडीशन बताता है कि बाहर मौसम कैसा है ठंडा गर्म या फिर विंडी है वेदर की चेंजेस वेदर बदलता रहता है इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे दिन हर दिन वेदर बदलता है अभी बताया ना आपको इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे तो अब हम पढ़ेंगे हॉट डेज के बारे में गर्म दिनों के बारे में ऑन डेज द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली कभी कभी क्या होता है सूरज बहुत तेज चमकता है इट इज वेरी हॉट ऑन सच डे जब सूरज बहुत चमकता है तो क्या होता है वो दिन बहुत गर्म होते हैं बहुत गर्मी लगती है वी वीयर कॉटन क्लॉथ्स जूरिंग हॉट डेज और हॉट डेज में हम कैसे कपड़े पहनते हैं कॉटन क्लॉथ्स हमें पतले पतले कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं जो हमारी बॉडी को कूल cool रखते हैं ठंडा रखते हैं नाउ वी विल लर्न अबाउट कोल्ड डेज अब हम ठंडे दिनों के बारे में पढ़ेंगे सम डेज ऑफ द ईयर आर वेरी कोल्ड साल के कुछ दिन कुछ महीने बहुत ठंडे होते हैं वी आर वॉम वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग कोल्ड डेज हम ऊनी कपड़े मोटे कपड़े पहनते हैं कब जब बहुत ठंडे दिन होते हैं डीज कीप्स आवर बॉडी वार्म और ऊनी कपड़े हमारी बॉडी को क्या रखते हैं वार्म गर्म रखते हैं स्नो फॉल्स एट सम प्लेसेस वेन इट इज वेरी कोल्ड कुछ जगहों पे बर्फ गिरती है जब क्या होती हैं बहुत ठंड होती है जैसे शिमला मसूरी यहाँ पर क्या होता है स्नोफॉल। डू यू नो क्या आप जानते हैं वेदर फॉरकास्ट टेलस अबाउट द वेदर इन एडवांस वेदर फोरकास्ट हमें वेदर के बारे में एडवांस में ही बता देता है आप सबके पास स्मार्टफोन है आपके घरों में तो आप अपने फोन में गूगल पर सर्च करते हैं और अगले दिन के मौसम के बारे में एडवांस में जान सकते हैं वो किसकी हेल्प से होता है वेदर फोरकास्ट की हेल्प से नाउ वी विल लर्न अबाउट रेनी डेज बारिश के दिनों के बारे में पढ़ेंगे सम डेज इट रेन्स अलॉट कुछ दिनों में कभी कभी बहुत बारिश होती है वी यूज़ आर रेन कोट एंड अम्ब्रेला ऑन अ रेनी डेज टू रिमेन ड्राई जब बारिश के दिन होते हैं हम क्या यूज़ करते हैं रेनकोट और अम्ब्रेला जिससे हम सूखे रहें गीले ना हो किसमें बारिश में नाउ वी विल लर्न अबाउट विंडी डे जब बहुत हवा चलती है ऑन सम डेज द विंड ब्लोस वेरी स्ट्रांगली कभी-कभी बहुत तेज हवाएं चलती हैं दे आर कॉल्ड विंडी डेज और उन्हें हम विंडी डेज कहते हैं विंडी डेज आर कूल विंडी डेज बहुत कूल cool होते हैं ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं नाउ वी विल लर्न अबाउट सीजन अब हम मौसम के बारे में पढ़ेंगे वी हैव फाइव डिफरेंट सीजन पांच अलग अलग मौसम होते हैं जो किस पे डिपेंड है वेदर पे समर एक मौसम होता है समर मतलब गर्मियों का वेन इट इज़ वेरी हॉट जब बहुत गर्मी होती है सबको गर्मियाँ अच्छी नहीं लगती बस कब अच्छी लगती है जब पूरा दिन घर में एसी चले ठंडा ठंडा रहे नंबर टू मॉनसून। व्हेन इट रेन्स हैवीली फॉर मेनी डेज जब बहुत दिनों तक लगातार तेज बारिश हो तो हम क्या कहते हैं उसे मॉनसून ऑटम सीजन व्हेन ट्रीज शेड देयर लीव्स पतझड़ जब पेड़ अपने पत्ते झाड़ते हैं पेड़ों पर पत्ते नहीं होते वो ऑटम सीजन होता है विंटर सीजन सर्दियों का दिन जब दिन क्या होते हैं बहुत ठंडे होते हैं स्प्रिंग स्प्रिंग कौन सा सीज़न होता है जब नए नए फूल खिलते हैं वेन इट इज़ नॉट वेरी हॉट और नॉट वेरी कोल्ड एंड डिफरेंट फ्लाट ब्लूम्स इन दिस सीज़न जब दिन ना ठंडे हो ना ज़्यादा गर्म हो वो कहलाता है स्प्रिंग सीजन और स्प्रिंग सीजन में क्या होता है नए नए फूल खेलते हैं नाउ टाइम टू टेस्ट योर स्किल चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं आपका। फॉलोइंग ऑल डेज आर सनी सारे दिन सनी होते हैं नो दिस इज फॉल्स कभी सनी डे होता है कभी कोल्ड कभी हॉट और कभी विंडी नेक्स्ट वेदर कैन चेंज ओनली वंस अ डे दिन में सिर्फ एक बार वेदर चेंज होता है नो दिस इज फॉल्स वेदर कभी भी चेंज हो जाता है इट इज डिफिकल्ट टू वॉक और ड्राइव अ बाईस अगेंस्ट दिन जब तेज हवा चलती है तो साइकिल और कार चलाना मुश्किल हो जाता है ये दिस इज ट्रू सो वी विल राइट ट्रू नाव टाइम टू टेक इन फ्लैशबैक चलिए जल्दी से फ्लैशबैक में चलते हैं वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे अ डे कैन बी सनी क्लाउडी और विंडी वेदर रोज बदलता है कभी सनी कभी क्लाउडी या फिर कभी विंडी होता है वी वी आर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग हॉट डेज जब गर्मियों के दिन होते हैं हमें हल्के रंग के कॉटन के कपड़े पहनना अच्छा लगता है

हमें स्विमिंग में जाना अच्छा लगता है समर में नंबर टू इन विंटर वी लाइक टू सिट नियर सर्दियों में हमें कहाँ बैठना अच्छा लगता है स्नोमैन कूलर फायर प्लेस या ओपन गार्डन में हमें सर्दियों में आग के पास बैठना अच्छा लगता है हमें गर्मा ही मिलती है नंबर थ्री ऑन रेनी डेज वी यूज रेनी डेज में हम क्या यूज करते हैं मफलर रेन कोट स्वेटर या वुलन कोट हम यूज करते हैं रेन कोट नंबर फोर इन समर वी यूज समर में हम क्या यूज करते हैं एयर कंडीशनर फैन रूम कूलर ऑल ऑफ दीज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज नाउ टाइम टू डू एक्सरसाइज बी क्रॉस द ऑड वन आउट यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जो पिक्चर अलग है आपको उसको क्रॉस करना है। सबसे पहले में टी की पिक्चर है आइसक्रीम और आइस की तो इसमें क्या अलग है आइसक्रीम भी ठंडी होती है बर्फ भी ठंडी होती है लेकिन चाय क्या होती है गर्म तो ये क्या है ऑड है नंबर टू क्लाउड रेनी एंड सनी तो इसमें अलग है क्लाउड तो क्योंकि ये दो क्या है सीजंस हैं नंबर नंबर एंड यू विल डू बाय योरसेल्फ एक्सरसाइज सी मैच द फॉलोइंग सही मिलान कीजिए दो कॉलम हैं एक कॉलम में सीजन के नाम हैं और दूसरे कॉलम में उनसे रिलेटेड बातें हैं तो आपको सबसे पहले सीजन नेम पढ़ेंगे सबसे पहला सीजन है समर सीजन तो समर सीजन को हम किस से मैच करेंगे रेन एंड अम्ब्रेला से फ्लावर ब्लूम्स कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम तो हमें समर में क्या अच्छा लगता है कोल्ड्रिंक्स और आइसक्रीम नंबर टू विंटर सीजन मतलब सर्दियों का मौसम तो सर्दियों के मौसम से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे रेन कोट नहीं फ्लावर ब्लूम्स लीज फॉल फ्रॉम द ट्री हॉट टी कॉफी एंड सूप सर्दियों में हमें गरम चाय कॉफी और सूप पीना अच्छा लगता है रेनी सीजन रेनी सीजन को हम मैच करेंगे रेन कोट और अम्ब्रेला से क्योंकि ये दोनों चीजें हम रेनी सीजन में यूज करते हैं ऑटम सीजन ऑटम सीजन में क्या होता है ऑटम सीजन में पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं लीज फॉल फ्रॉम ट्रीज स्प्रिंग सीजन स्प्रिंग सीजन में क्या होता है नए नए फूल खिलते हैं फ्लावर ब्लूम एक्सरसाइज डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं आपको अपने चैप्टर को रीड करना है और इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं एक्सरसाइज डी यू विल डू बायर सेल्फ सो माई डियर किड इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट सीजन एंड वेदर हमने अलग अलग सीजन और वेदर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग्स from this video stay tuned for next video till then take care bye bye